हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल दैट इज रिहान इंफ्रेटेक। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अभी लेके आई हूँ आज आपको सनी एनक्लेव मोहाली में। ये जो अपनी डुप्लेक्स कोठी रहने वाली है, 265 गज में अपनी कोठी रहने वाली है। ये अपना मेन डोर रहने वाला है। काफी ज्यादा वाइड एंट्रेंस आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। दो डोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइक आप जैसे पैदल चल के आ रहे हैं तो आपको ये डोर यूज करना है। आपको कार पार्किंग के लिए आप ये वाला डोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, बहुत ही ज्यादा वाइड एंट्रेंस आपको दी जा रही है। इसमें दो गाड़ी आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अपनी एक्टिवा भी आप इधर लगा सकते हैं। तो जैसे आप इधर देखेंगे तो आपको कुछ स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है अपने प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने कोठी के अंदर। तो एंट्रेंस पे आपको बहुत ही प्यारा फोल्डेड डोर इसमें दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें फिनिशिंग की गई है। तो ये अपना फ्लैट है। इधर आपको ये पूजा रूम दिया जा रहा है। इधर आप अपना पूजा रूम इसको यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा ये स्पेशियस है। मैंने आपको बताया था ये अपनी ड्यूप्लेक्स कोठी रहने वाली है। ये आपको अपना ड्राइंग एरिया मिल रहा है। और ये देखिए, ये कितना प्यारा पैनल आपको इधर दिया जा रहा है। इधर आप अपनी क्रॉकरी भी प्लेस कर सकते हैं, कोई आइटम्स से फैशनेबल आइटम्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। काफी ज्यादा स्पेशियस अपना ड्राइंग रूम रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ये आपको इसमें ग्लास दिया जा रहा है जिससे आपकी प्रॉपर आपको सनलाइट मिलेगी। तो सनलाइट भाई बहुत जरूरी है। इसमें आपको वॉल सीलिंग मिलेगी, एलईडी लाइट्स इसमें आपको दी जा रही है। फ्लैट आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं। ये जो आपका एरिया रहने वाला है, इधर आप सोफा भी लगा सकते हैं। ये एलईडी पैनल आपको दिया जा रहा है। कितना प्यारा अपना एलईडी पैनल है। ये आपको स्पेस दिया जा रहा है जिधर आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये अपने जो रहने वाला है, ये बेसिकली अपना डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो ये अपनी किचन है। और कितनी प्यारी इधर आपको अलमीरा दी जा रही है। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस कोठी अपनी रहने वाली है। ये अपनी किचन दी जा रही है। बहुत ही ज्यादा स्पेशियस किचन है। मॉड्यूलर किचन अपने प्रोवाइड की जा रही है। ओवन इसमें इनबिल्ट ओवन दिया जा रहा है। आपको डबल अपने को इसमें सिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद मूवेबल टैप्स। और जो सारी फिटिंग्स रहने वाली है, सारे फिटिंग्स अपनी जैगवार की रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो गाइस, ये मैं आपको लेके आ चुकी हूँ फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये जो बेडरूम रहने वाला है, इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशियस अपने बेडरूम रहने वाला है। किंग साइज बेड लगाने के बाद भी इसमें आपको काफी स्पेस मिल जाएगा। ये जो अपनी वार्डरोब्स रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस वार्डरोब्स आपको दी जा रही है विद प्रॉपर सेक्शनिंग। तो सामान रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फॉल सीलिंग और एलईडी लाइट्स इसमें आपको एलईडी दी जा रही है। इसको आप एज एलईडी एलईडी प्लेस कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ इसके वॉशरूम की तरफ। ये जो है आपका इसमें वॉशरूम रहने वाला है। काफी ज्यादा स्पेशियस इसमें आपका वॉशरूम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस इसमें दिया गया है। जितनी भी फिटिंग्स आपको दी गई है ना, सब सैनिटरी फिटिंग्स ब्रांडेड है जैगवार की। इसमें आपको सब फिटिंग्स दी गई है। ये जो आपका रहने वाला है, ये आपका पार्किंग एरिया रहने वाला है। आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस वॉशरूम है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। और ये जो है, ये आपको इसमें एलईडी पैनल दिया जा रहा है। तो ये जो अपना काफी स्पेशियस रूम रहेगा। और सबसे अच्छी बात जो है, ये आपको प्रॉपर इसमें वार्डरोब दी जा रही है। अलग से स्पेस दिया गया है वार्डरोब के, तो आपके रूम में तो भीड़ नहीं होगी। और इसमें प्रॉपर आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब मजा ही आ रहा है, इतना प्यारा मिरर दिया जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे। और ये जो आपका है वॉशरूम, इतना स्पेशियस इसमें आपको वॉशरूम दिया जा रहा है। सैनिटरी फिटिंग्स ब्रांडेड है, जैगवार की है। रूफ टॉप तक आपको टाइल्स दी गई है। और टाइल्स का कलर इतना प्यारा है, इतना रॉयल लुक दे रहा है कि बस कहना ही क्या है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको जो है बालकनी प्रोवाइड की जा रही है। आप इसको बालकनी भी बोल सकते हैं, आप इसको वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो मुझे ये जो बालकनी है, ये आपकी सेकंड रूम के साथ भी अटैच बालकनी रहने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा आपकी स्पेशियस बालकनी रहने वाली है। अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। पर वहां जाने से पहले जो एक और मैं आपको चीज दिखाने वाली हूँ, वो है अपना कॉमन वॉशरूम। अपने इधर एक कॉमन वॉशरूम दिया जा रहा है। ये कॉमन वॉशरूम दिया जा रहा है। और इसमें जो है आपकी
बार रहने वाला है, बहुत ही शानदार अपना बार रहने वाला है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। गाइस आई ये अपना फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। तो पहले पेज में आपको एक बार अपनी अलमीरा दिखा देती हूँ। ये सबसे जो बोनस पॉइंट आपको लग रहा है, सबसे इतनी ज्यादा स्पेशियस आपको वार्डरोब दी जा रही है, रूफ टॉप पर वार्डरोब रहने हैं। भाई मेरे कपड़े तो इतनी वार्डरोब चला सकते हैं, इतने छोटी वार्डरोब में मेरे कपड़े तो आने वाले हैं। ये आपको ड्रेसिंग एरिया इधर दिया जा रहा है। ये अपना वॉशरूम रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस ये अपना वॉशरूम रहने वाला है। ये अपना बाथरूम एरिया रहेगा, देख सकते हैं रूफ टॉप तो आपको इसमें टाइल्स दी गई है। काफी ज्यादा स्पेशियस वॉशरूम है यार, और जैगुआर की फिटिंग्स, वाह। तो अब आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए आपको ये ग्लास दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो इधर आप आ जाते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम में जाने से पहले किचन देख लो। तो ये अपनी किचन रहने वाली है, ये अपनी एक फैंसी किचन रहने वाली है। सॉफ्ट ड्रॉयर के साथ आपको इसमें डोर्स दिए गए हैं, ये देखिए। और बहुत ही ज्यादा स्पेशियस अपने कैबिनेट्स रहने वाले हैं, प्रॉपर सेक्शन ही। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये जो है हमारा सेकंड बेडरूम रहने वाला है, इतने बड़े बड़े रूम्स आपको दिए जा रहे हैं, ड्रेसिंग एरिया आपको दिया जा रहा है। और ये जो है ये अपनी वार्डरोब्स रहने वाली है, बहुत ज्यादा स्पेशियस वार्डरोब्स रहने वाली है। ये आपको वॉलपेपर इसमें दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम। ये अपना वॉशरूम रहने वाला है, इतनी प्यारी टाइल्स देखो तो जरा, इतनी प्यारी अपने को टाइल्स दी जाए, इतना रॉयल लुक आ रहा है इसको देख के, अमेजिंग। इससे आपको ये प्रॉपर लाइटिंग के लिए आपको ग्लास दिए गए हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी की तरफ। ये जो है अपनी बालकनी रहने वाली है, आइए, इतनी ज्यादा स्पेशियस अपने को बालकनी मिल रही है। अपनी योगा भी कर सकते हैं आप इधर, और अपनी मॉर्निंग इवनिंग टी इजीली इधर चेयर से आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने सुखा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। और एक और चीज, इसके सेकंड फ्लोर पे आपको एक रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अपना सर्वेंट रूम भी यूज कर सकते हैं आप, या बच्चे अपना स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं, ताकि बाहर से ज्यादा शोर वगैरह ना आए। तो ये था अपना सनी एनक्लेव में अपनी कोठी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स में बात कर सकते हैं।